बोला शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज सुबह एक वीडियो बनाई थी कि HSSC के जो डी ग्रुप का एक नया रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो वो लगभग आज ये लगा लो कि आज कंफर्म हो गया है कि लगभग 10,000 प्लस पदों का नया रिक्रूटमेंट आएगा और इसका जो भी प्रोसीजर है उसमें हम थोड़ा सा समय लेकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा पुलिस की फीमेल की लिस्ट भी आ चुकी है, लगभग 12-13 तारीख से इनकी वो PST स्टार्ट है। मेल की PST भी लिस्ट आ चुकी है, वो किन की आई है, वो ESM की आई है। उससे पहले जैसे डिपेंडेंट वालों की आई थी और अब मेल ESM की सेल्फ जो ESM है उनकी आई हुई है, उनका भी लगभग 12-13 तारीख से PST स्टार्ट है। एक मैं आपको बताता हूं कि मेल की फोर्थ लिस्ट भी कन्फर्म आए। मैं कन्फर्म मैं इसलिए कह सकता हूं कि PST में बहुत से कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो कम से कम ये कंडीशन तो होनी चाहिए कि भाई एग्जाम के लिए 4 गुना की लिस्ट तो बचे, भाई इतने कैंडिडेट तो हों PST करने के बाद में कि एग्जाम के लिए 4 गुना यानी कि 5 का 20,000 तो मेल के और लगभग 4,000 फीमेल के, तो उनमें जितनी कमी होती रहेंगी ये लिस्टें आती रहेंगी। और ये मैं आपको बताता हूँ, कल एक तो जो ग्रुप नंबर 1-2 की आंसर की भी जारी हो चुकी है, ग्रुप नंबर 56-57 हरियाणा पुलिस, ये आप मेरी कन्फर्म मान लेना कि अगस्त में लगभग इन सब की ज्वाइनिंग होनी है। अब हम बात करते हैं HSSC डी ग्रुप की। देखो मैंने सुबह बताया था आपको, एक लिस्ट सी बना के बताई थी, जो कल जो रिजल्ट आया था, जो लिस्ट आई थी वो तो पुरानी लिस्ट है, जो तो पहले ही बन के तैयार हो चुकी थी, उसमें तो थोड़ा सा परिमार्जन जो हुआ है वो कैटेगरी का हुआ है, बस जो कैटेगरी जिनकी त्रुटि हो गई थी, बाकी वो रिजल्ट तो एज इट इज वही कट ऑफ पे वो रिजल्ट तो पहले ही बनाया हुआ था। उसमें ना तो TGT के कैंडिडेट जो ज्वाइन ले चुके हैं ना तो उनको बाहर निकाला, अभी कुछ भी नहीं किया उसमें, वो एज इट इज जो बनाई हुई थी वो डाल दी है। अब उसमें से संशोधन ये होगा कि TGT जो है, TGT के लगभग 700-800 जो कैंडिडेट हैं जो TGT में ज्वाइन कर चुके हैं, या 3,000 पहले ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अब बहुत जल्दी 56-57 क्लियर करेंगे तो वहां से कैंडिडेट निकलेंगे। तो सुबह मैंने एक आइडिया सा बताया था आपको कि 7,000 से 8,000 की वेटिंग लिस्ट तो 1,000 से भी यदि ऊपर होता है तो 1,000, मैं 5,000% कहता हूं कि 7,000 से 8,000 की तो वेटिंग आनी अनिवार्य है। प्लस में आज जो हमारे जो माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनका मैंने वो देखा था, पढ़ा था कि उनमें लिखा हुआ था कि भाई जो कैंडिडेट बहुत जल्दी डी ग्रुप का रिक्रूटमेंट आने वाला है, और ये भी मैं आपको बताता हूं कि तय है, मैंने सुबह ही बता दिया था आपको कि इसी सीटी बेस पर होना है, और ये देख लेना आप, इसी सीटी पर होना है भाई। OBC और जो भी EWS की जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप जल्दी से जल्दी बनवाओ ताकि ये नया रिक्रूटमेंट आने वाला है। और मैंने आपको सुबह ही बता दिया था भाई, ये नहीं कि भाई मैंने बता दिया था, मैंने कोई चक्कर नहीं होता, लगभग आइडिया हो या हम कोई चीज का अध्ययन करते हैं या कहीं कहीं से हमें थोड़ा सा ज्ञात होता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले आपकी एक बहुत बड़ी लिस्ट, कम से कम 7,000 से 8,000 कैंडिडेट की तो वेटिंग लिस्ट, और मैं तो यहाँ 10,000 कह रहा हूँ, बाकी ये ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जो डी ग्रुप के जो पद हैं वो रिक्त हैं, तो ये 17-18 हजार की मानता हूं मैं, तो भाई हो जाए वो 15 की 14 की, हो सकता है वो 18 हजार की हो, तो ये कहीं एग्जैक्ट कोई एक्यूरेसी नहीं है कि भाई कितनी लिस्ट है, पर एक बहुत बड़ी लिस्ट जो विधानसभा चुनाव से पहले डी ग्रुप के बच्चों को सौगात मिलने वाली है, ये लगा लो सौगात तो नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चों ने मेहनत की है, बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, कहीं कहीं बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि ये टुकड़ों में नहीं निकलेगी, भाई आप 3,000 की आ गई चाहे ऐसे नहीं, वो एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लोट ऑफ कैंडिडेट जो है वो डी ग्रुप में सिलेक्शन लेंगे, उससे पहले 56-57 ग्रुप में बच्चे चले जाएंगे, उससे पहले हरियाणा पुलिस में 6,000 बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, उससे पहले ग्रुप नंबर 1-2 हो या फिर कोई और भी सी ग्रुप के बहुत से एग्जाम है, स्टेनो का है, कॉमर्स का है, तो हरियाणा मेल फीमेल, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये अगस्त लास्ट तक बहुत ज्यादा चांस है कि ये सारी भर्तियां होने के बाद में, और कट ऑफ है वो आपकी बहुत नीचे आनी है, ठीक है भाई, मैं 10 नंबर नीचे बताता हूँ, वो आई सिर्फ 7 ही नंबर नीचे या 8 नंबर नीचे,
वो एक अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी कोई चीज आपको बताता हूँ कि ये सारी भर्तियां पूरी इसलिए जल्दी जल्दी हो रही हैं, दिल्ली कुछ न कुछ नोटिस, कुछ न कुछ रिजल्ट, कोई भी रिवाइज रिजल्ट, कभी कोई लिस्ट, कभी पीएमटी की, कभी पीएसटी, तो ये सारी प्रक्रिया है, ये सारी जो चीजें हैं ये विधानसभा चुनाव से पहले बहुत तीव्र गति से हो रही है। तो ये जो 10,000 पदों में वृद्धि है ये श्योर एंड सर्टेन है, ये अलग बात है कि 10 की बजाय 8,000 ही बढ़े या 8,500 बढ़े तो ये हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है 2018 के में जो भर्ती हुई थी उसमें पद रिक्त हैं और हर डिपार्टमेंट में डी ग्रुप के पद वैकेंट हैं और भाई प्रमोशन भी हुए हैं, 6 साल हो गए, 18 और 6, 24, 6 साल हो गई, और प्लस में चुनाव है, प्लस में 3 साल के लिए कार्ड वैलिड है, प्लस में ये जो भर्ती है डी ग्रुप की ये बहुत बड़ी भर्ती होनी है, ये बहुत बड़ी लिस्ट आपकी आने वाली है। बिल्कुल निश्चिंत रहें और सही दिशा में प्रयास करते रहें, बाकी एग्जाम देते रहें, हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी देना है, 56-57 जो जहां भी आप क्वालिफाई करते हैं सारे एग्जाम देते रहें, लास्ट में आपको डी ग्रुप वेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यदि फिर भी पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूं कि लगभग 17,000 से 18,000 की लिस्ट आएगी और वो चुनावों से पहले आएगी, क्योंकि चुनावों का सबसे जो महत्वपूर्ण जो होता है वो बेरोजगारी का मुद्दा होता है, और वो मुद्दा कहीं ना कहीं डी ग्रुप से पूरा होगा ही होगा, 56-57 के लिए होगा। बिल्कुल दिखाओ पर मत जाओ, पॉजिटिव माइंड में रहो, सकारात्मक सोच रखो, और सफलता उन बच्चों को जरूर मिलेगी जिन्होंने जिनकी मेहनत सफलता के बराबर हो गई है। जो साथी नए हैं चैनल पर उस प्लीज उसको सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।